Hello Army, welcome to back my channel and how are you? I hope also fine. So Army ये mafia queen का part 18 है, so I hope ये part आपको अच्छा लगेगा. आप चलिए video को start करते हैं. Jin Jimin को बहुत समझाती है, मगर Jimin वापस नहीं आती, इसलिए Jin वापस चली आती है. Jinu ये क्या तुम अकेले आई हो? बहू कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? क्या हुआ Jinu, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना, क्यों नहीं आ रही बहू? डैड मॉम क्या बोलेंगी मैं आपको बताता हूँ. वो नहीं आई है और ना ही कभी आएगी, उसे किसी की परवाह नहीं है, तो वो क्यों आएगी? तो ये क्या बोल रहे हैं, बहू सच में बहुत अच्छी थी, वो सबकी परवाह करती थी. मॉम डैड, मैंने आप दोनों से पहले ही कहा था मुझे शादी नहीं करनी थी, मगर आप दोनों ने फोर्स किया था इसलिए मैंने किया, और देख लिया इसका नतीजा क्या निकला. वो हमें छोड़कर चली गई और कभी वापस भी नहीं आएगी. तू चुप कर, कब से बोला ही जा रहा है, मेरी बात तो सुन नहीं रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ. और पहले तो मुझे ये बता कि तूने उससे क्या कहा है जो वो वापस नहीं आ रही. जरूर तूने कुछ ऐसा कहा है जो उसके दिल पर लगा इसलिए वो वापस नहीं आ रही. वरना मेरी बात वो नहीं टालती है. पता नहीं तूने ऐसा क्या कहा है जो वो मेरी बात भी टाल रही है. मैंने वही कहा है मॉम डैड जो सच है, कि मैं अपनी पहली वाइफ से ज्यादा प्यार करता हूँ, और जिमिन उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं उससे प्यार नहीं करता. पहली वाइफ, अभी इसको पता भी नहीं इसकी पहली वाइफ है कौन. ये शायद भूल गया, ये इसकी तीसरी शादी है. और हाँ, इसे याद भी कैसे होगा, ये तो बहुत छोटा था ना. पर जिनू, वो तो हमने बचपन में शादी करा दी ना, और बचपन की शादी 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 होती, या फिर वो बचपन में हो या फिर वो बड़े हो जाए तब. पर जिनू, अब मुझे डर लग रहा है सुबह की, हमने जिसके साथ भी शादी कराई है ना, आखिर में उसकी डेथ हो जाती है, और जिमिन के लिए मुझे बहुत डर लग रहा है. आपने कहा तो सही आ रहे हैं, मगर इसे मेरे बेटे की क्या गलती है? देखो उसकी पहली वाइफ एक्सीडेंट में मर गई, और उसकी मॉम डैड भी तो मर गई, सुबह की दूसरी वाइफ को मार दिया गया, इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? उल्टा वो बहुत हर्ट भी हुआ. पर जिनू, मैं जब भी जिमिन को देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो शुआ की पहली वाइफ है जो बचपन में उसके साथ शादी की थी हमने उसे. आरंगी आप क्या बोल रहे हैं, वो तो आपकी दोस्त की बेटी थी ना, और जानते हैं कि वो सब एक्सीडेंट में मारे गए थे. तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिमिन वो है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है ना. हाँ जिनू, तुम सही कह रही हो, ये तो इम्पॉसिबल है. पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि जिमिन वही लड़की है. हमारी मोची जिसके साथ सुगा बहुत खेला था, लेकिन आप देखो उसे मोची याद ही नहीं है. अपनी लाइफ में ऐसे बिजी हो गया था जैसे उसकी कोई फ्रेंड थे ही नहीं, और वो मोची को भूल गया. हाँ अरे, आप तो जानते हैं ना कि सुगा माफिया वर्ल्ड से नफरत करता है, और वो किस वजह से करता है ये भी आप जानते हैं. मुझे लगता है कि जब तक जिमिन माफिया वर्ल्ड नहीं छोड़गी, तब तक मेरा बेटा उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा. आप गॉड ही कुछ कर सकते हैं, प्लीज गॉड कुछ ऐसा करो कि इन दोनों का रिश्ता न टूटे, और टूटने के बजाय वो और पक्का हो जाए. पास जीनो, जो तुम चाहती है वो हो जाए, प्लीज गॉड हेल्प कीजिए. देख जिमिन, एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले, तू ये करना चाहती है या फिर नहीं. देख बाद में तो बहुत पछताएगी. मैं तो बोल रही हूँ प्लीज ऐसा मत कर. नहीं तो मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये जरूर करूंगी. मैं सुबह के साथ अब और रहना नहीं चाहती. पर क्यों, ऐसा क्या कहा है जीजू ने जो तू बर्दाश्त नहीं कर पाई और तू ये कदम उठाने पर उतर आई? प्लीज मुझे बताना. नहीं तो वो मैं तुझे नहीं बता सकती, बस तू इतना समझ ले कि मुझे सुबह के साथ नहीं रहना. और हाँ, तू भी मेरी बात ध्यान सुन ले, अगर तूने ऐसा कर दिया ना तो तू बाद में बहुत पछताएगी. ये बात तो तू लिख कर रख ले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ेगा. और हाँ, मैं सब छोड़ रही हूँ, मैं अपने पुराने लुक में वापस आना चाहती हूँ. मैं फिर से माफिया वर्ल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ. मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया फालतू के कामों में और इन फालतू के रिश्तों में जिनका कोई मतलब ही नहीं था. तुझे समझाना इस वक्त बेकार है, बिकॉज मैं जानती हूँ तू मेरी बात को नहीं समझने वाली. तुझे जो मन करता है वो कर. फिर जिमिन दोबारा से अपने माफिया वाले काम करने लगती है. ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं. एक दिन जिन सुगा के रूम में आती है और उसे कहती है, सुगा बेटा, अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो तुम मुझे मना तो नहीं करेगा ना? मॉम, इसके लिए आपको मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. आप बोलिए आपको क्या चाहिए. ऐसे नहीं, पहले तो मेरी कसम खा कि तू मुझे मना नहीं करेगा. इसमें कसम की क्या जरूरत है? ओके फाइन, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपको मना नहीं करूँगा. अब तो बताइए आपको क्या चाहिए. बेटा एक्चुअली मुझे जिमिन चाहिए. आई नो तुम उससे बहुत नाराज हो, पर प्लीज मेरे लिए एक बार, सिर्फ एक बार उसे जाकर बात कर लो. मॉम, आप भूल गई, हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब वो मेरी वाइफ नहीं है, तो मैं उससे बात क्यों करूँ? बेटा तुम भूल गए, अभी तुम दोनों का डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ, बिकॉज कोर्ट ने तुम दोनों को 6 महीने का टाइम दिया. 6 महीने के बाद दोबारा तुम साइन करोगे तब तुम्हारा डिवोर्स होगा, अभी नहीं हुआ. तो प्लीज बेटा तुम जिमिन के पास जाओ और मेरे लिए एक बार उससे बात करो. देखो तुमने मेरी कसम खाई है, तुम मुझे मना नहीं कर सकते. ओके फाइन मॉम, पर मैं इसीलिए जा रहा हूँ बिकॉज मैंने अभी कसम खाई है, वरना मैं नहीं जाता. और मैं जानता हूँ कि वो नहीं मानने वाली, तो मैं मनाऊंगा भी नहीं. प्लीज गॉड, सुबह गया है, कुछ ऐसा कर देना कि ये दोनों फिर से मिल जाए. अदर साइड जिमिन वहाँ पर मीटिंग कर रही थी, तभी वहाँ पर सुगा आता है और जिमिन उसे देखकर शॉक हो जाती है. क्या सुगा यहाँ क्या कर रहा है? तो
जीजू यहाँ पर मुझे लगता है कि वो जमीन को समझाने आए हैं। ये बहुत अच्छा मौका है, मैं सबको यहाँ से भेज देती हूँ, इन दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ, तभी इन दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा। उसके बाद ते सभी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और सभी वहाँ से चले भी जाते हैं और खुद भी वहाँ से चली जाती है और यनमिन को अकेला छोड़ देती है। शुगर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? अब कौन सा इल्जाम बाकी रह गया है जो तुम मुझ पर लगाने के लिए आए हो? मैं तुम्हें यहाँ कोई सफाई देने नहीं आया हूँ और ना ही तुम पर कोई इल्जाम लगाने। मॉम ने मुझे भेजा था इसलिए मैं आया। वो चाहती है कि मैं तुमसे बात करूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ तुमसे बात करने के लिए। ओ तो तुम मॉम के कहने पर आए हो, पर कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है और इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती, मुझमें अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूं। मैं पहले भी इनोसेंट थी और अभी भी इनोसेंट हूं। तुम मुझे कला समझते हो तो उसमें तुम्हारी गलती है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। इनोसेंट और तुम जो एक माफिया है वो खुद को इनोसेंट कैसे कह सकता है? मैंने तुमसे पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूं, मैं इनोसेंट हूं। और हाँ, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझमें नहीं है इतनी हिम्मत जो मैं तुमसे लड़ सकूं और ना ही मैं तुमसे बहस कर सकूं। मुझे लगा था कि मैं एक माफिया हूं और इसी वजह से तुम मुझसे नफरत करते हो, मगर ऐसा नहीं है। तुम मुझे इतनी गिरी हुई लड़की समझते हो, मुझे ये नहीं पता था। जो सच है वो तुम्हें एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है, और तुम खुद को बहुत इनोसेंट समझती हो ना, उतनी तुम हो नहीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे वही सब बातें याद दिलाने आए हो ना जो मेरे दिल पर लगी थी। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं तुम्हारे साथ वापस आऊंगी। किसी तरह ये 6 महीने कट जाए, उसके बाद तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और मैं भी तुमसे यही बोलने आया हूँ कि मुझे भी बस 6 महीनों का इंतजार है, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, और मैं तुम्हारी शक्ल कभी भी देखना नहीं चाहूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहूंगी? मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। आई नो तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर पहले ही मिला, तुम मेरी शक्ल क्यों देखना चाहो? पता नहीं तुमने मुझे शादी क्यों की थी, बस टाइम पास करने के लिए। जस्ट शट अप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारी सोच अभी भी वैसी ही है, अभी भी मुझे वैसा ही समझते हो, और मुझे पता है तुम्हारी ये सोच कभी नहीं बदल सकती कि तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जिमिन को बात करते वक्त चक्कर आ रहे थे, वो बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है लेकिन शुगर उसे पकड़ लेता है। ये जिमिन को क्या हो गया? मुझे टेको बुलाना होगा, पता नहीं क्या हो गया, मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा। फिर शुगर ते को बुलाता है और ते जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। देखिए आप दोनों रूम से बाहर जाइए, मुझे इनका चेकअप करना होगा। ओके डॉक्टर, हम बाहर जाते हैं, आप चेकअप करिए। चलिए जीजू बाहर। हाँ ते चलो। फिर ते के रूम से बाहर आ जाते हैं और डॉक्टर रूम के अंदर चले जाते हैं। वैसे ते तुम बता सकती हो क्या कि जिमिन को क्या हो गया? वो अचानक से बेहोश क्यों हो गया? मुझे नहीं पता जीजू, मगर हाँ मुझे लगता है कि ये सब वीकनेस की वजह से हुआ। इन दिनों वो अपने खाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए कमजोर हो गई। ना वो खाती है ठीक से और ना ही पीती है, इसलिए मैं उसे बहुत डांटती हूँ, मगर वो मेरी बात सुनती नहीं। वो कुछ बोलने ही वाला था लेकिन तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाती है। क्या आप इनके हस्बैंड हैं? हाँ वो मैं उसका हस्बैंड हूँ। क्या बात है, क्या हुआ उसे? उन्हें कुछ हुआ नहीं है, बल्कि आपके लिए गुड न्यूज है, वो प्रेगनेंट है, आई मीन टू से आप फादर बनने वाले हैं। क्या फादर? क्या सच में डॉक्टर? थैंक यू सो मच। वेलकम। और हाँ आपको उनका और ख्याल रखना होगा, बिकॉज वो कमजोर भी हैं, तो उनके लिए रिस्क हो सकता है, तो उनका आपको ख्याल रखना होगा। एंड हाँ मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, आप उन्हें ले आइएगा और उन्हें खिलाते रहिएगा। अब मैं चलती हूँ, बाय। अच्छा ठीक है डॉक्टर, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। ओके चलिए। फिर ते डॉक्टर को वहाँ से ले जाती है, उसके बाद शुगर रूम में जाता है। कभी नहीं सोचा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या फिर दुखी, पर मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नाचूं खुशी से। अब जिमिन के पास मेरा बेबी है तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता, और बहुत कमजोर भी हो गई है तो मुझे उसका ख्याल भी रखना होगा। जो भी हो पर मैं फादर बन गया, आई कैन बिलीव इट, मुझे इतनी खुशी हो रही मैं बता भी नहीं सकता। फिर शुगर जिमिन के फोरहेड पर किस करता है जिसकी वजह से जिमिन उठ जाती है। शुगर तुम अभी तक यही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तो नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी जिमिन, पर अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। क्यों, अब क्या हो गया? तुम्हें रियलाइज हो गया कि तुम गलत हो, मगर मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। नहीं जिमिन तुम्हें चलना ही होगा, तुम्हें पता नहीं तुम प्रेग्नेंट हो। क्या, पर तुम्हें कैसे पता चला? और मुझे ये बात पहले से पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि इस सीजन की वजह से मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी? क्या ये बात तुम्हें पहले से पता है? तुमने ये बात मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? हाँ नहीं समझा, और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ जबकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, और वैसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है, तो तुम अपने रास्ते रहो और मैं अपने रास्ते। इस बेबी की सिर्फ मैं ही मदर हूँ, उसका कोई भी फादर नहीं है। और तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि
कि तुम्हारी कहने से सच बदल जाएगा कि मैं उसका फादर हूँ। सिर्फ वो तुम्हारा बेबी नहीं है, वो मेरा भी है। नहीं, तुम्हारा वो कुछ नहीं लगता। तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं उसे अकेले पाल लूंगी। उसके लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। और तुम तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे ना, अब क्यों मुझे लेने आए हो? जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाने वाला जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जाऊँगा। तो फिर तुम भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। मैं इसका और खुद का ख्याल रख सकती हूँ तो तुम यहाँ से जा सकते हो। खुद का ख्याल रख सकती है तभी इतने दिनों से खाना पीना छोड़ रखा है। नहीं, मैं खा रही हूँ। और तुम क्या जानो कि मैं खाती हूँ यहाँ पे? नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी। इतना ही। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।